आग की चिंगारी ने एक घर को किया परेशान। जी हाँ, हम बात करते हैं जनपद कन्नौज के गांव गोबा गांव में। अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में सुरेश चंद्र के घर में आग लग गई। आग ने अपने आवेश में सबको समा लिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जी हाँ, हम आपको बता दें, आग की चपेट में दो बेजुबान गाय और भैंस भी आ गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उनको बचाया, बाकी घर में सब जलकर राख हो गया। लोगों के मुताबिक पीड़ित काफी गरीब हैं। क्राइम 18 न्यूज के लिए पवन कुशवाहा की खबर। सुरेश चंद्र, क्या मामला है? आग लग गई। कैसे? अब पता नहीं, मैं तो थे नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हुआ, गाय जली, भैंस जली, ये सामान जल गया। कुछ जानकारी आपको नहीं, कैसे लगी आग? हमें जानकारी कुछ नहीं। कहाँ थे जब आग लगी है? गुरसाई। चलो कोई बात नहीं, इसकी बोतल वोतल छड़वा। बहुत दवाई हुई थी, डॉक्टर भी गया था मेरे दवाई। अच्छा अच्छा, और आग तो बहुत भयानक चीज है। कैसे लगी आप? पता नहीं क्या पता नहीं, हम तो आते नहीं, हम तो दवाई लेंगे उठाएंगे। सुरेश चंद, क्या मामला है? आग लग गई। कैसे? अब पता नहीं, मैं तो थे नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हुआ, गाय जली, भैंस जली, ये सामान जल गया। कुछ जानकारी आपको नहीं, कैसे लगी आग? हमें जानकारी कुछ नहीं। कहाँ थे जब आग लगी है? गुरसाई। उमा शंकर, क्या हुआ यहाँ पे? आग लग गई था। अच्छा, ये कौन सा गांव है? गोबा। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया। क्या मतलब? भैंस जल गई और गाय जली बहुत।